Hello students, welcome to St. Andrews Online Classes. Students, we are working from home. Student, हमें पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करना है एग्जाम्पल 4.10 एनसीईआरटी. बेटा इस क्वेश्चन में बोला था द हॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3×10⁻⁵ टेस्ला एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ. बेटा मैंने इधर को ईस्ट ले रखा है तो ये वेस्ट होगा. तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ की, बेटा अगर हमारा ईस्ट की तरफ फेस होता है तो नॉर्थ कहाँ होता है? लेफ्ट की तरफ. इट मीन्स अंदर होगा. तो बेटा अंदर नॉर्थ है और बेटा बाहर की तरफ कौन है? साउथ है. अब देखते हैं यहाँ पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है वो 3×10⁻⁵ टेस्ला है. बेटा वो है ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ. तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं साउथ टू नॉर्थ. तो बेटा साउथ कहां था? बाहर. नॉर्थ अंदर है. तो बेटा कहां की तरफ है फील्ड? अंदर की तरफ. बेटा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 3×10⁻⁵ टेस्ला. ओके बेटा अब आगे कह रहा है ये अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करेंट ऑफ 1 एम्पियर. वॉट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट वेन इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजोंटल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट इन पार्ट ए और पार्ट बी दे रखा है. बेटा करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है. तो बेटा पहले वाले पार्ट में जो करंट था बेटा वो कहाँ था? ईस्ट टू वेस्ट. तो करंट था आई इक्वल टू 1 एम्पियर. अब इसका इसकी जो डायरेक्शन दे रखी थी करंट जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो हो रहा था ईस्ट टू वेस्ट. बेटा इस तरह से ईस्ट इधर है वेस्ट इधर. बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. तो देखो ध्यान से फील्ड बेटा अंदर है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. तो बेटा थीटा यहाँ पर कितना हुआ? 90 डिग्री. तो हमें बताना था वायर की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स है. बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ इक्वल टू आई एल बी साइन. बेटा यहाँ पर थीटा कितना है? 90. हमें पूछा था यूनिट लेंथ पर फोर्स इट मीन एफ अपॉन एल पूछा है. तो बेटा यहाँ से एफ अपॉन एल क्या आएगा? आई इंटू बी. बेटा आई हमें बंदे रखा है और बी की वैल्यू 3×10⁻⁵. तो बेटा फोर्स कितना हुआ? 3×10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर. बेटा डायरेक्शन देखो लेफ्ट हैंड रूल. बेटा फील्ड अंदर है करंट इधर है तो फोर्स कहाँ होगा? बेटा नीचे डाउनवर्ड. अब बेटा इसका पार्ट बी दे रखा था. पार्ट में बताया बेटा करंट जो फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ है. बेटा सेम करंट है आई इक्वल टू 1 एम्पियर लेकिन अब की बार ये साउथ टू नॉर्थ है. बेटा फील्ड कहां था हमारा? फील्ड भी साउथ से नॉर्थ था अंदर. बेटा करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है करंट की डायरेक्शन भी बेटा अंदर ही है अंदर की तरफ है आई इक्वल टू 1 एम्पियर. तो बेटा हम देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है. बेटा तो यहां पर थीटा कितना हुआ? 0. तो बेटा यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं एफ अपॉन एल तो बेटा वो क्या होगा? आई बी साइन 0. बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. इट मीन्स जो फोर्स होगा बेटा 0 रहेगा, है ना? 0 न्यूटन पर मीटर. लेकिन नेट मैग्नीट्यूड इसका 0 है बेटा, है ना? ओके स्टूडेंट्स नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.7 डिस्कस करते हैं. बेटा इसमें कहा था टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 and 5 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन. बेटा दो वायर थे इस टाइप से. एक में बेटा करंट दे रखा था वायर ए में वो करंट दे रखा था 8 एम्पियर और बेटा दूसरा वायर बी था इसमें जो करंट दे रखा था वायर बी में वो था 5 एम्पियर. दोनों बेटा डायरेक्शन सेम बता रखी है मैंने सेम दे रखी है, ठीक है. अब बोला है सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. तो हमें बताना है कि फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए. तो बेटा वायर ए की 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स होगा? तो बेटा हमें फोर्स पूछा है 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर. तो हम निकाल रहे हैं यहां पर फोर्स ऑन सेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर ए. बेटा ये वायर ए था ये वायर बी था. तो बेटा फोर्स क्या होगा? एफ इक्वल टू वायर ए पर फोर्स है. बेटा या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या थोड़ा समझ के देख लेते हैं. बेटा
तो समझ के देखे तो वायर ए पर बेटा फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, वायर बी का मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ऐसे। और बेटा कितना फील्ड होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इन वायर बी अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा ये आएगा आई जो बेटा कौन सा, क्योंकि वायर ए पर फोर्स है वायर ए का, इंटू बेटा लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बी बेटा फील्ड किसकी वजह से, वायर बी की वजह से, फील्ड ड्यू टू वायर बी, बी बी इंटू में साइन बेटा थीटा, देखो एल ऊपर है फील्ड बेटा बाहर है, तो कितना एंगल है 90। तो आई ए इंटू एल बेटा फील्ड ड्यू टू वायर बी कितना होगा बेटा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई आर। तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। आप चाहो तो बेटा इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, है ना। बेटा यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7। वायर ए में बेटा कितना करंट है 8, वायर बी में 5 अपॉन 2 पाई इंटू बेटा लेंथ दे रखी थी 4 इंटू 10^-2। बेटा कितनी लेंथ में निकालना है 10 सेंटीमीटर, पर 10 इंटू 10^-2। बेटा -2 से -2 कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 5 20, 20 से 2 1 0 बेटा यहाँ एडजस्ट हो गया, 2 0 हो गए, और बेटा इसके साथ आ जाएगा इंटू में 10^-5 न्यूटन। और बेटा डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, इस बेटा फोर्स की डायरेक्शन, अब देखो ध्यान से, फील्ड कहाँ है बेटा बाहर की तरफ, और करंट बेटा ऊपर है, फील्ड बाहर है करंट बेटा ऊपर है, तो फिर फोर्स कहाँ होगा, इधर की तरफ टुवार्ड्स वायर बी, अट्रैक्टिव होगा ना ये, तो टुवार्ड्स वायर बी। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 4.22 है, इसमें बेटा टू वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बेटा ऐसे है कि हमको ये बैटरी दे रखी है बेटा, ये मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, दो वायर थे वो करंट लेके जा रहे थे, वहां एक वायर करंट लेके जा रहा है बेटा घूम के करंट दूसरे वायर से बेटा ऐसे आ रहा है। ओके बेटा करंट कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, बेटा करंट हमें दे रखा था 300 एम्पियर, तो बेटा ये वायर 1 है और बेटा वायर 2 है, I2 = 300 एम्पियर। बेटा बता रखा है कि इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, जो आर है बेटा, वो 1.5 सेंटीमीटर है। बेटा जिस सेक्शन पर मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, उस सेक्शन की बेटा जो लेंथ हमने ले रखी है इस टाइप से, तो बेटा ये लेंथ है सेक्शन की एल इक्वल टू यहाँ 70 सेंटीमीटर की है। और बेटा हमें फोर्स बताना था और इसकी नेचर भी बतानी थी, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं फोर्स बिटवीन वायर्स, बेटा क्या होगा फोर्स, एफ इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। तो मी नॉट अपॉन 2 पाई आर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 2 × 10^-7 बेटा I1 300, I2 भी 300 अपॉन बेटा 2 पाई मैंने एडजस्ट कर ही लिया, R दे रखा है 1.5 × 10^-2 और बेटा L हमें दिया है यहाँ पर 70 × 10^-2। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, यहाँ से 2 × 3 = 6, 3 = 18 इंटू 7 अपॉन 1.5 इंटू 10^ बेटा यहाँ से 2 × 4 = 5 × 10^-2 न्यूटन। बेटा जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। बेटा एक फोर्स कैसा होगा नेचर में, देखो ध्यान से बेटा, वायर वन जो है फील्ड अंदर जनरेट कर रहा है, तो बेटा ये अंदर की तरफ फील्ड होगा वायर वन की वजह से, तो बेटा वायर टू पर फोर्स कहाँ होगा, देखो ध्यान से, फील्ड अंदर बेटा करंट नीचे, तो फोर्स बेटा इधर की तरफ लगेगा एफ ऑन वायर टू। अब बेटा वायर वन पर देखते हैं बेटा, वायर टू के साइड फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा, यहाँ भी फील्ड ड्यू टू वायर टू। बेटा इस वायर वन पर फोर्स कहाँ होगा बेटा, फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो बेटा इधर कोई फोर्स लग रहा है, तो बेटा ये फोर्स है वायर वन पर। तो आपने देखा
दोनों फोर्स बेटा कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, मींस कैसे हैं, रिपेल करने वाले। तो टाइम के बीच में जो फोर्स होगा किस नेचर का होगा, रिपल्सिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।